अम्बा प्रसाद तो पहले गोरवा पर रहा कि नहीं देंगे जमीन। हाँ। अभी तो रुपये गोरवा से लेके और जमीन दे रहा है लूट की। अभी अम्बा प्रसाद खड़ा होबे ना करते तो वोट कहाँ से मिलते? अम्बा प्रसाद खड़ा ना तो ना विधानसभा में हाँ ना ना खड़ा ना होता काहे? ये अब अपने घोटाला वाला आदमी है तो कैसे खड़ा देख ला तो नहीं कैसे जान ला घोटाला वाला पेपर हम ना जाने पेपर ना है हमारा घर मोबाइल बड़ा मोबाइल ना है बड़का का विधानसभा में अम्बा प्रसाद के लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं? नहीं हम लोग कोई पसंद नहीं कर रहे हैं नहीं अम्बा प्रसाद नहीं हमन सोरेन कोई नेता कुछ दर्द नहीं है हम लोग को यही है कि हम लोग का बाल बच्चा दूसरा देश कमाने जाता है यार यहाँ कोई रोजी नहीं मिलता है। उम्मीदवार में यहाँ कौन है पता है? जयराम मतक पार्टी से नहीं जानते हैं संजय मेहता ठीक अब जाने तो देंगे उन्हीं का साथ में रहेंगे। और यहाँ अम्बा प्रसाद का किस तरह का माहौल? अम्बा प्रसाद तो किस तरह का चला रही है उसको तो देख रहे हैं आप लोग गांव देखिए पूरा पूरा गली देख ली। हाँ हम लोग वोट दिए जिताए लेकिन देखिए दुर्गा माँ का मंडप देखिए हम लोग का बस्ती देखिए तो चुनाव में खड़ा हो ये हम लोग साथ में है साथ में है। हाँ जो यहाँ के माटी बेचने नहीं बोलता है कंपनी को देने नहीं बोलता है। हाँ नहीं बेचेंगे आप लोग उनका समर्थन कीजिएगा। हाँ एकदम करेंगे। नमस्कार जोहार अभी मैं हजारीबाग लोकसभा में हूँ और हजारीबाग लोकसभा में चुनावी माहौल सामने आ गया उसी को मैं दिखाने के लिए आया हूँ। इसी बीच एक महिला मिली इस महिला का काफी आक्रोश दिखा यहाँ की वर्तमान विधायक अम्बा प्रसाद को लेकर। पढ़ी लिखी है फिर भी विकास के काम पर कोसों दूर कहा जा रहा है। दादी है ये देख रहे कई वर्षों से वोट दे रही है लेकिन इनके गांव में कोई अभी देखने नहीं आती कह रहे की कोई विकास ना है। अम्बा प्रसाद आए अम्बा प्रसाद क्या बरियाल है कोई विकास ना है की कहा लो कि हम यहाँ गोसाई थान सब कुछ करा दबा बढ़िया तरह से पलस्तरा करा दबा बढ़िया से हम गोसाई थान के सफा सुफर करे मगर कई बार यहाँ गोसाई थान आए इनके पचेती करे मगर कुछ न करे है कई बार पचेती करने के लिए आई है। अम्बा प्रसाद आती है इधर नहीं की कहो कि हम काम करबो इधर। हाँ इन्हें काम करवा मगर कुछ ना करेला की इस बार वोट देवे अभी वोट मिलते ना मिलते से हम कैसे बता सकबे ना तो ये दोसर पर काम करे वाला आदमी यार भी उम्मीदवार खड़ा है तो अपनी दबे ने फिर अम्बे प्रसाद के दबे। अभी अम्बा प्रसाद खड़ा होबे ना करते तो वोट कहाँ से मिलते? अम्बा प्रसाद खड़ा ना तो ना विधानसभा में हाँ ना ना खड़ा ना होता काहे? ये अब अपने घोटाला वाला आदमी है तो कैसे खड़ा देख ला तो नहीं कैसे जान ला घोटाला वाला पेपर हम ना जाने पेपर ना है हमारा घर मोबाइल बड़ा मोबाइल ना है सब कुछ जान कंपनी से हम बाल बच्चा है से जुड़े कह के जाए तो बोलो कि कमेटी बनावे ले कमेटी बनावे ले कमेटी बनावे जाए तो यहाँ आदमी हमारे जाए तो गाँव में बोलो की ना फलना से कमेटी बना फलना से कोई ना हम साथ ना देती नहीं जमीन कंपनी खरीदे लाए रहा गाँव के उजाड़े ले। हाँ सब कुछ भेवे लगले अम्बा प्रसाद तो साथ नहीं तो कुछ न साथ दलती की को जमीन दे दा जमीन तो खुदे अपने से अम्बा प्रसाद दे लिए हैं कोई अम्बा प्रसाद तो खुदे अपने से जमीन दे दिए हैं अब तो तोर जमीन ला तो वो कैसे देते कैसे ना जब ओकरा ताकत है वो विधायक में है तो ओकरा लामा परिवार है सब पहुंच है यार हम इनके कहां से पहुंचे अब गांव घर ने तक ले पहुंचे जमीनवा तोर होने जी खतियान में नाम तोर हो खतियान ने है ने तो ओकरा पहुंच है वहां पर हेले वैसे जमीन लिया जले अब उन नेता है की बोला है दादे उन नेता है का अम्बा प्रसाद तो जमीन हो जी तोर जमीन तोरा बिना पूछ ले कैसे कोई ले ले तो कैसे ले लता है जमीन तो है का नेता के अम्बा प्रसाद तो पहले गोरवा पर रहा कि नहीं देंगे जमीन। हाँ। अभी तो रुपये गोरवा से लेके और जमीन दे रहा है लूट के तो पता है एगो जयराम मत हो जमीन खातिर लड़ रहा लो हम जान रही थी पता है मत कीजिए रिकॉर्डिंग सुन ना कुछ ना करबो पूछे चाहे जरा मत कीजिए जरा मतलब जाना है हम नहीं जानते वो खाली जल जंगल तो के नहीं जानते जल जंगल जमीन खातिर लड़ रहा है नेता के नहीं जानते हैं वो नेता ना ला सुनिए ना वोट ले लेता है नेता। हाँ। उसके बाद आगे वोट लेने के समय हाथ जोड़ता है या करेंगे वह करेंगे ये चीज बनाएंगे गली बनाएंगे रोड बनाएंगे मंदिर बनाएंगे और जब वोट हो जाता है तो वोट होने के बाद सब अपना अपना बिस्तर में सो जाता है अपना माँ बहन अपना बेटी का रोजी रोटी चलाता है और दूसरे का आम पब्लिक का कोई अथी नहीं है। अच्छा ये इलाका में जो बड़का का विधानसभा में अम्बा प्रसाद के लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं? नहीं हम लोग कोई पसंद नहीं कर रहे हैं नहीं अम्बा प्रसाद नहीं हमन सोरेन कोई नेता अम्बा प्रसाद के हेमंत सोरेन अम्बा प्रसाद कोई नहीं वोट नहीं नया उम्मीदवार के दबी जो यहाँ के माटी की बात करते हैं। हाँ जे हम इनके चलेता है इनके गांव घर चलेता है देश चलेता है दुनिया चलेता है जे हम इन सब के हम इनके कुछ पूरेता है सेकरान दबा अब हम रान विधवा है हमार कोई नखर का मनिहार हमार वृद्धो पिल सुन रोकल है हम का जानबे संजय मेहता जाना है
संजय मेहता आए लोग जल जंगल जमीन खातिर लड़ो मुआवजा नहीं जानते हैं। संजय मेहता वो सब हम कुछ को नहीं जानते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं, जंगल झाड़ी में रहते हैं। तो जंगले खातिर तो लड़ रहा लोग तो कहाँ लड़ रहे हैं। वो गोंदलपुरा के जमीन में भी आंदोलन कर रहा लोग। ठीक, तो ये देख रहे हैं इन लोग इतना आक्रोशित हो गए हैं। और भी महिलाओं का चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आक्रोशित है। अंबा प्रसाद का इलाका है और देख सकते हैं बड़का गांव विधानसभा है और हजारीबाग लोकसभा है। यहाँ पर कुछ काम नहीं होने की वजह से आक्रोशित है। क्या क्या दर्द है बहुत आप देख रहे हैं, बोल रहे थे इनको। कुछ दर्द नहीं है, हम लोग को यही है कि हम लोग का बाल बच्चा दूसरा देश कमाने जाता है और यहाँ कोई रोजी नहीं मिलता है। तो आप लोग नेता बन के फिर हम लोग को इस तरह दिक्कत होगा तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे। तो प्रवासी मजदूर के तो बात करो जरा मत कि हम लोग का यहाँ इतना कंपनी है, फैक्ट्री लगता है, लेकिन बाहरी घुस जाता है, हम ही लोग का जमीन जाता है। तो काहे घुसने देते हैं, नहीं घुसना देना चाहिए। आप लोग उसको रोकिए, हम लोग साथ में है। इसीलिए चुनाव में खड़ा हो रहा था कि नेता बनेंगे और दिल्ली में ये कानून लाएंगे। हाँ, तो चुनाव में खड़ा होइए, हम लोग साथ में हैं। साथ में है। हाँ। जो यहाँ के माटी बेचने नहीं बोलता है, कंपनी को देने नहीं बोलता है। हाँ, नहीं बेचेंगे। आप लोग उनका समर्थन कीजिएगा। हाँ, एकदम करेंगे। तो उम्मीदवार में यहाँ कौन है पता है, जयराम मतक पार्टी से? नहीं जानते हैं। संजय मेहता। ठीक, अब जाने तो देंगे, उन्हीं का साथ में रहेंगे। और यहाँ अंबा प्रसाद का किस तरह का माहौल? अंबा प्रसाद तो किस तरह का चला रही है उसको तो देख रहे हैं आप लोग। गांव देखिए, पूरा पूरा गली देख ली। हाँ, हम लोग वोट दिए, जिताए, लेकिन देखिए दुर्गा माँ का मंडप देखिए, हम लोग का बस्ती देखिए कैसा चला रही है और कैसा रोड बनाई है। जीत जीत के आइए, बाद में जीत के आइए कि रोज ही रोड से ऐसे कर ले जा। तो तोनी ना का आग्रह इने हमर काम करते हिया गड़िया रोड तले तो थपड़ाक दे भेज दतल। हां, थपड़ाक भेज दतल गे अबरी वोट दे ला। रुपया लगे थे से वोट दे ला। हां, वोटवा दे के रब और थपड़ा के भेज दतल गे। ये देख रहे हैं कि अंबा प्रसाद से काफी आक्रोशित है। वही जेबी केसेस यहां जल जंगल जमीन की बात कर रही है, एनटीपीसी की बात कर रही है और संजय मेहता यहाँ चुनावी माहौल में है और विधानसभा भी चुनाव होने का है। क्या इन लोगों का इस बार जो आक्रोशित है, चुनाव में वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये जानने और समझने वाली बात है। बाकी जो है लेकिन गोसा थाने चौंगा लग जाना चाहिए और अति होना चाहिए। बस में हफ्ता नहीं हुआ, भजन करो यू। लाइट होना चाहिए दुर्गा मंडप में, वोट ले लेता है नेता। हाँ। उसके बाद आगे वोट लेने के समय हाथ जोड़ता है, या करेंगे वह करेंगे, ये चीज बनाएंगे, गली बनाएंगे, रोड बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। और जब वोट हो जाता है तो वोट होने के बाद सब अपना अपना बिस्तर में सोए जाता है, अपना माँ बहन अपना बेटी का रोजी रोटी चलाता है।